क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब? अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी सारे जितने दोस्तों हमारे वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे देखिए जो कर्मा चौराहा है यहाँ पे रैली निकला गया है जो कि केन के नाम से जाना जाता है, मतलब रैली निकला गया। तो इनसे हम ज्यादा से ज्यादा पूछने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे काफी डॉक्टर है, कर्मा चौराहा के जितने डॉक्टर है काफी दूर दूर से डॉक्टर आए हुए जो कि अपना रैली निकाल चुके हैं। इनसे ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे क्यों ये रैली निकाला गया, हम पूछेंगे जरूर ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर से कोशिश करेंगे। तो क्यों रैली निकाला गया डॉक्टर साहब, आप बता सकते हैं? हाँ बताएगा क्यों नहीं, हमारा जैसे कॉलिक टाइप के रही जैसे लेडीज डॉक्टर उसको साथ बहुत घिनौनी हरकत करके उसको मार दिया गया। अच्छा। उसके लिए हम लोग उसको शोक सभा के लिए निकला है। अच्छा। तो जो डॉक्टर थी एक महिला थी उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, उनके साथ बहुत गलत घिनौना काम हुआ है, तो उसी को लेके जो कि काफी बड़ी रैली निकली हुई है। तो हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और बड़े बड़े डॉक्टर से हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो हाँ डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, कैसे क्यों आपने निकाला रैली, क्या किस मामले? भाई ये जो कोलकाता में रैप कांड हुआ है हाँ। उसी के लिए हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं हाँ। कि जो ये घिनौना का हरकत किए हैं हाँ। उनको जल्द से जल्द सजा मिले और कानून के तहत जो प्रावधान है हम तो ये चाह रहे हैं उनको फांसी की सजा मिले, फांसी की सजा मिले जी। तो भाई यहाँ पे डॉक्टर का कहना फांसी की सजा मिले, तो जो घिनौना काम हुआ तो मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों की फांसी देना चाहिए, क्योंकि अगर फांसी नहीं देंगे तो उनका मन काफी बढ़ेगा, काफी उनका मनोबल बढ़ेगा, उनका मनोबल काफी बढ़ेगा। तो ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए जो कि काफी गलत हुआ है। तो और कुछ कहना चाहेंगे, आपकी मांग क्या सरकार से? सरकार से मेरी मांग ये है कि इसकी न्यायिक जांच करवा करके और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, यहाँ तक कि उनको मौत की सजा दी जाए। तो मांग है कि सरकार से सजा ही मिलना चाहिए। तो हमारे भाईजान इनसे हम ज्यादा से ज्यादा भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। भाईजान आपका क्या कहना है? जी हम कहना चाहते जिस तरह से यहाँ पे एक सरकार एक महिला डॉक्टर के साथ अत्याचार हुआ है, हम चाहते हैं सरकार से मांग हमारी यही है कि जो आज ये कैंडल मार्च निकाला गया कर्मा चौराहे के जो डॉक्टर हैं इर्द गिर्द में उनके सारे वो सारे डॉक्टर मिलजुल के यहाँ पे एकता के साथ में अखंडता के साथ में यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो खास तौर पे डॉक्टरों के साथ जिस तरह से घिनौना हरकत हुआ है वो अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो गया। उसके साथ हमको कम से कम हम लोग की जो मांग है वो फांसी की सजा होनी चाहिए। तो भाई मांग है फांसी की सजा होनी चाहिए, अगर फांसी की सजा नहीं दी गई तो ये जो डॉक्टर साहब लोग हैं वो कुछ भी आगे कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इनकी मांग पूरी की जाए, सरकार से हमारे यही निवेदन है। क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब? अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी सारे जितने भी यहाँ के सरकारी अस्पताल हैं, वो प्राइवेट अस्पताल हैं, वो मेडिकल स्टोर वाले हैं, वो जितने भी पूरे जिले के प्रदेश के देश के हैं सब धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ। तो भाई यहाँ पे काफी तेजी से धरना प्रदर्शन होना चालू हो गया है, तो सजा जल्द से जल्द मिलना चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे काफी भीड़ भड़क का है, काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं,